हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज ये एस बैंक पे अपडेट लेके आया था। आज 21 तारीख है और कल मार्केट अपनी ओपनिंग देगा। यस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। अच्छे खासे अच्छे 44 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है वहाँ पे, और उसके सामने आप देखेंगे भले ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग ही हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रैपिंग नहीं है। बट आप देखेंगे ये कहीं ना 32 से जाते हुए ये 51 की ओर जा चुका है, और अभी भी हो सकता है 50 kg का वॉल्यूम वेटेड की जगह करंट ₹1.40 मतलब ₹1 से के ऊपर से ज़्यादा से वैल्यू क्लोज हुआ है। 286 का हाई है ये आपको भी मालूम है और 29 का लो है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यू है इसमें, बट अभी नहीं है। अभी हो सकता है कि 59 के पास जाते हुए यहाँ पे आपको स्टॉप दिखते हुए दिखे, हो सकता है वहाँ से 45 है, बट कमिंग डेज में ये आपको 90, 125 और 190 तक जाते हुए दिख सकता है। ऐसा चार्ट पे दिखते हुए होता है क्योंकि इसके सारे न्यूज जो है खत्म हो चुके हैं, और अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोले चाहे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सके बोले। आप अभी रिसेंटली आपने सुना कि फोर्टिस हेल्थ केयर में अपने शेयर को इसने बेचा और वहां से पैसा अर्न किया। फिर आपने भी सुना 6000 करोड़ का अभी रिसेंटली न्यूज आया, 6000 समर ग्रुप से वहां से उन्होंने बेचा है। अब ये न्यूज भी देखिए, पहला इनके पास जो न्यूज आया है वो आया है यस बैंक का, यस बैंक गेंस ओवर 3% आफ्टर सेलिंग स्टेक इन फोर्टिस हेल्थ केयर। होटल सेल्थ केयर में इन्होंने शेयर बेचा था, वहां से गेन किया था कुछ। यस बैंक 35% और 40 से यस बैंक रिकॉर्ड ₹645 करोड़ ऑफ रेलिगर एक्सपोजर। उसके बाद ईटी न्यूज में आया, आप देखेंगे कि ईटी न्यूज में इकोनॉमिक टाइम्स में आया कि यस बैंक टू टेक ओवर सुमर्स लैंड इन रेडियस। यहाँ से कुछ इसको The bank notified debtor on Friday last week its move under the scrutination reconstruction of financial asset and enforcement securities interest 2002। यहाँ से कुछ 6000 करोड़ आने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोई ना कोई न्यूज इसमें आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, आते रहेगा। आप एक चीज लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको न्यूज के चक्कर में फंस नहीं जाएगा, और ये 61-62 के पास 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली बेसिस पे, वहाँ पे आके रुक सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 59-37 पर डेली बेसिस पे इसको जो है जो बोलिंगर बैंड्स में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को दिखता है। तो 100% ये एक बार वापस 45-46 के पास आपको आते हुए दिखेगा, और वापस यहाँ से जब जंप लेगा तो अच्छा खासा जंप लेगा। उसका जो कारण है, जब मंथली बेसिस पे इसको डेमा देखिएगा तो आप मंथली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन देखिएगा जो फॉर्म किया है वो एक पैटर्न है, अपर साइड हैमर पैटर्न है। तो इसको जो ये फॉर्म किया ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, और ये पहले भी यहाँ पे फॉल किया था। आप पहले भी देखेंगे जब भी इसने ऐसा फॉर्मेशन किया है, ये यहाँ पे लगभग आपको 2004 के आसपास बार यहाँ पे भी फॉर्म किया था, तो जब भी ये फॉर्म करता है उसके बाद एक अपसाइड रैली लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो चांसेस है ऊपर की ओर फॉर्म करता है वो आपको दिख रहा है, फॉर्म कर सकता है और ऊपर की ओर यहाँ पे जाते हुए आपको यस बैंक दिखेगा, अच्छा वैल्यू दिखेगा, और बहुत जल्दी आपको ये क्रॉस करेगा तो अच्छे लेवल को क्रॉस करते हुए निकल सकता है। यस बैंक पे वॉचलिस्ट जरूर रखें, और जहाँ तक देखेंगे यस बैंक पे भी आप देखिए, अगर मैं इसको एनएससी में देखूँ तो जाकर के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव हुआ है। बाय की वॉल्यूम 16,32,000 है जबकि सेल की वॉल्यूम 38,01,600 है, तो सेल की वॉल्यूम बढ़ रही है। अब इसको कहीं ना कहीं, और जो आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिएगा तो यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी 44 करोड़ की भी है, यहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ की डिलीवरी हो रही है, 4%, 7%, 8% की डिलीवरी हो रही है, मीन्स ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यस बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप 1000 क्वांटिटी यस बैंक का रखते हैं तो 500 क्वांटिटी पर ट्रेडिंग कीजिए, 500 क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 50% पर ट्रेडिंग कीजिए, 50% अपने पोर्टफोलियो में रखें, ताकि अगर ये जंप करके 90 और 140 चला जाता तो आप मिस ट्रेन को नहीं करें। बट अगर ये प्रॉफिट और लॉस है तो वापस यहाँ पे बोलिंगर बैंड में जो आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है ये वापस 59 से यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि यहीं पे इसका डेली बेसिस पे 50 डेज का डेमा भी आप देखेंगे तो 50 डेज का डेली बेसिस पे ये 50 डेज का डेमा भी 61-62 पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इसको नीचे वापस आते हुए दिख सकता है। तो एक रेसिस्टेंस इसको 61 पे मिल सकता है, वहाँ से ये नीचे वापस जा सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट में 32 पे लिए 60-100% रिटर्न है तो वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को बुक करके देख सकते हैं। 50% ही प्रॉफिट क्वांटिटी को बुक कीजिएगा, 50% अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन कीजिएगा। ये आगे जाकर के मंथली बेसिस पे जो चार्ट बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपने सारे मूविंग एवरेज को मंथली बेसिस पे क्लोज करते हुए एक अच्छा फॉर्मेशन वॉल्यूम के साथ दे सकता है,
और वापस ही अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। और बहुत रिसेंटली आपको हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने में ये आपको 160-170 तक जाते हुए दिख सकता है। इसलिए ट्रेंड मिस नहीं कीजिएगा। और ये पैटर्न देखिए, हैमर पैटर्न है, मंथली बेसिस पे है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। और अगर इसको वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली बेसिस पे एक जंप लिया हुआ है यहाँ पे, तो किसी ना किसी तरीके से वापस ये आपको यहाँ पे ऊपर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख सकता है। यस बैंक पे कोई भी मेरा डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मार्केट पे, बट यस बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, श्योर शॉट होना चाहिए। न्यू जाए चाहे नहीं जाए, 61 पे वापस प्रॉफिट। मैं 50% क्वांटिटी में ट्रेडिंग में रखिए और 50% क्वांटिटी आप जो रखिए इसको पोर्टफोलियो में रखिए, ताकि अगर गाड़ी मिस हो जाती है, ये 90-100 चला जाता है, तो वहाँ पे आपको वापस प्रॉब्लम नहीं है। बट 50% क्वांटिटी जो भी आपने लेके रखी है वहाँ पे, चाहें तो आप पेपर ट्रेड करें या उस पर पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं, उससे प्रॉफिट 61 के आसपास 59 के आसपास कर सकते हैं। मुझे लगता है यस बैंक पे एक अच्छा स्क्रिप्ट लॉन्ग टर्म के लिए, मैं हर समय आपको बोला पॉजिटिव सेंसेस में काम कीजिए। ये कोई बैंक है, ये कोई बंद नहीं होने वाली है। और जैसे न्यूज आ रहे हैं ये 623 करोड़ वहाँ से 40 से लिया, उसके बाद इसके 6000 करोड़ यहाँ से आ रहा है, तो पैसे मैनेज कर रही है और ये करने में कैपेबल है, और इसकी जो मैनेजमेंट और टीम है बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको 6 महीने के अंदर वापस 140-150-160 तक जाते हुए दिख सकता है। आपको ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपकी स्टॉक। फिर भी कोई भी अगर बैंक सेलिंग करे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत भी हो और वापस ये नीचे स्क्रैप भी हो जाए, जो कि हो नहीं सकता, फिर भी ओपिनियन है। तो कहीं आपको अगर ये लोअर में मिलता है तो अच्छा है, एक्यूमुलेशन पैटर्न है, इसको एक्यूमुलेट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मिनिमम 1000 क्वांटिटी तो मेंटेन कीजिए इसकी, 1000 क्वांटिटीज नीचे लेने से कोई फायदा नहीं, तो 1000 क्वांटिटी मेंटेन कीजिए। ट्रेडिंग करना है तो 45-65, लेकिन इस मंथ के एंड के पहले आपके पोर्टफोलियो में वापस आ जाना चाहिए, तो क्योंकि अगले मंथ जो रहेगा वो 90 के रेंज में जा सकता है। वो तो हो सकता है कि अगले महीने ही आपको 90-91-95 तक जाता हुआ, 110 तक जाता हुआ दिख सकता है यस बैंक। तो यस बैंक छूटना नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यस बैंक अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छे पोर्टफोलियो के साथ। फिर भी आप अपने एक बार कंसल्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर से जरूर कर लें, कोई भी पोजीशन मार्केट में बनाने से पहले। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था, कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत